दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप 13x35 के प्लॉट में आप अपना मकान बना रहे हैं और अब आप जानना चाहते हैं कि 13x35 के एक मकान को मकान का छत ढलाई करवाने में अपना कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों इसी पर मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों खर्चा जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जब अपना छत का कार्य करवाएंगे तो उसमें क्या क्या मटेरियल की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों इसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी सैंड यानी कि बालू रेत की, एग्रीकेट यानी गिट्टी की, सीमेंट, स्टील यानी सरिया की, बाइंडिंग वायर यानी पतले तार जो काला तार आता है सरिया बांधने का उसकी, कवर ब्लॉक दोस्तों जो कि बहुत ही अहम उपयोगी अपना होता है छत के लिए तो इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, डॉक्टर पिस्टिक दोस्तों इसकी भी हमें आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, साथ साथ दोस्तों एक लेबर मिस्त्री यानी एक ठेकेदार की भी आवश्यकता पड़ती है हमें अपना छत ढलाई का कार्य करवाने में। तो देख लेते हैं कि आखिरकार हम अपना 13x35 का जो छत का कार्य करा रहे हैं। और सर्वप्रथम दोस्तों हम देखते हैं इसमें सेंट यानी बालू रेत का। तो इसमें दोस्तों हमारे जो सेंट यानी बालू रेत लगेगा वह लगेगा दोस्तों 160 क्यूबिक फीट। दोस्तों अगर ट्रॉली की बात करें तो इसको आप 1.5 से 2 ट्रॉली मान के चल सकते हैं। ये दोस्तों ट्रॉली की साइज़ पर निर्भर करता है, भाव चल रहा है दोस्तों 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके 9600 रुपये का सेंट यानी कि बालू रेत बनेगा। दोस्तों अभी जो चलन में चल रहा है इस प्रकार का जो रेत है जिसको 4mm 2mm हम यूज़ करते हैं अपने छत के लिए, तो दोस्तों इस प्रकार का भी आपके एरिया में अगर इसका चलन चल रहा है, ठेकेदार मिस्त्री छत का जो कार्य करते हैं करवाते हैं इस प्रकार का सेंट अगर यूज़ करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी उसकी भी आपकी रहने वाली है। एग्रीगेट यानी गिट्टी की बात करें तो दोस्तों आपको इसका भी सेम क्वांटिटी रहेगा यानी कि 160 क्यूबिक फीट। ट्रॉली की बात करें तो 1.5 से 2 ट्रॉली आप इसको मार के चल सकते हैं, भाव दोस्तों अभी चल रहा है 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, जो कि दोस्तों हमारे 8000 रुपये का एग्रीगेट यानी गिट्टी बनेगा। आगे बात करेंगे दोस्तों सीमेंट का, तो सीमेंट इसमें अपना लगेगा 40 बैग सीमेंट लग जाएगा। अभी चल रहा है सीमेंट का भाव दोस्तों 360 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि 50 किलो का अपना आता है, जो कि दोस्तों हमारे बनेगा 14400 रुपये का सीमेंट। बात करेंगे दोस्तों स्टील यानी कि जो सरिया है उसकी, तो इसमें आपका जो सरिया लगेगा वह लगेगा 3 क्विंटल 80 किलोग्राम, जो कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ फूल ही 10mm का। दोस्तों यदि आप चाहते हैं 10mm 12mm मिक्स से या फिर 12mm फुल सरिया से आप अपना छत का जाल बनवाएं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। भाव चल रहा है दोस्तों 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके जो सरिया खर्चा आपके बैठने वाला है 24700 रुपये का। आगे बात करेंगे दोस्तों बाइंडिंग वायर यानी कि पतला तार यानी कि काला तार का, जो कि दोस्तों हमारे 13x35 का जो छत का जाल है बांधने में लगभग 4 किलोग्राम लग जाएगा। दोस्तों ये नंबर से आता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये 18 नंबर लगेगा। इसका भाव दोस्तों इस भाव से टाइट रहता है, अभी चल रहा है 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके 400 रुपये का पतला तार बनेगा। कवर ब्लॉक दोस्तों जो कि बहुत ही अहम उपयोगी होता है दोस्तों, नहीं तो दोस्तों कवर ब्लॉक जो कि अपने छत के लिए बहुत ही अहम उपयोगी होता है, मतलब यूँ समझ लें दोस्तों ये जो आप अपना खर्च कर रहे हैं अपने छत के लिए इसको बचाने का, इसको लंबी उम्र देने का एक कवर ब्लॉक करता है। दोस्तों यदि आपके कवर ब्लॉक की जो अगर उसकी कमी रहती है अपने छत में तो इस प्रकार की समस्या आपके भविष्य में छत से लेके आ सकती है। दोस्तों आप इसे जरूर से जरूर लगाएगा, ये लगेगा कवर ब्लॉक लगेंगे दोस्तों आपके 100 नग आता है मात्र 2 रुपये पर नग के हिसाब से, जो कि आपके केवल 200 रुपये का बनेगा। दोस्तों है इसकी कीमत काफ़ी कम लेकिन दोस्तों है काम इसके ज़बरदस्त। डॉक्टर पिस्टिक दोस्तों अगर छत में अगर आप डालना चाहते हैं तो इसमें आपको लगेगा 5 लीटर। इसका भाव है दोस्तों 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से भी चल रहा है, जो कि दोस्तों आपके 750 रुपये का डॉक्टर पिस्टिक बनेगा। लेबर मिस्त्री ठेकेदार की बात करें तो दोस्तों ठेकेदार मिस्त्री का जो खर्चा है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, और 13x35 का अगर हम स्क्वायर फीट में परिवर्तन करें तो बनेगा 455 स्क्वायर फीट। लेकिन होता क्या है, जिस ओर दरवाज़ा खिड़की होता है या फिर जिस ओर अपना मेन रास्ता होता है या फिर जिस ओर अपने पास जगह होती है ठीक है अपने रूम अपने मकान के आगे, उस ओर दोस्तों हम 3-3 फीट का छज्जा निकालते हैं इस प्रकार से, तो दोस्तों इस स्थिति में हमारा जो छत है वो थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि छत बन जाता है दोस्तों 13x38 का गुणा करेंगे तो छत का स्क्वायर फीट 494 आता है, जो कि दोस्तों ठेकेदार मिस्त्री का जो अभी रेट चल रहा है 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं, जिसमें दोस्तों शटरिंग लगाना, खोलना, लाने ले जाने का सामान, मिक्सर का और जाल बांधने का सभी खर्चा इसी के अंतर्गत ऐड होता है, जो कि दोस्तों गुणा करने पर हमारे 14820 रुपये का ठेकेदार मिस्त्री का खर्चा आपके आने वाला है 13x35 के प्लाट में छत का कार्य करवाना है। इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिया है कि 13x35 के छत में किस प्रकार से कितना मटेरियल लग रहा है, आज के भाव के हिसाब से कितने रुपये का लग रहा है, एक बार इसको हम जोड़ लेते हैं, जो कि दोस्तों हमारे इसमें बनेगा 72,000
870 रुपये बनेगा राउंड फिगर में दोस्तों, इसको 80,000 मान के चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो इसमें मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, तो 80,000 आप इसको मान के चल सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।